इसकी आंख का जो सुराख बंद है, इसकी आंख का जो सुराख बंद है, यीशु मसीह तेरे नाम से खुल जाए, क्योंकि आंख पूरी सूज कर यहां पे आ जाती है, बंद हो जाती, दिखना तक बंद हो जाती। इसलिए जब ऐसा होता है वो सूज जाती है क्योंकि सुराख बंद है, तो फिर डॉक्टर फिर सिलाई मारती, सिलाई उसको खोलने के लिए अगर प्रॉब्लम ज्यादा होगी ना तो डॉक्टर फिर सिलाई मारती है कि वो खुल जाए। तो कईयों को मैंने देखा है वो सिलाई मारने से भी खुल जाती है, फिर ठीक हो जाती, फिर हो जाती, ऐसा होता है। पर ये तो बड़ा छोटा बच्चा है। जिस सिस्टर का नाम संदीप है और जे मुदल गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि इनके इनके बेटे की गवाही है, और जे बता रहे हैं कि जब इनके बेटे का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, और उसके एक हफ्ते बाद ही जो इस बेटे का राइट साइड की जो आंख है उसका उससे बहुत ज़्यादा पानी निकलता था, जिसके कारण जो सिस्टर परेशान हो गए, और जैसे जो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी आँख का सुराख बंद है, और जैसे उन्होंने इनको ड्रॉप्स भी दिया और जो ड्रॉप्स भी डाल रहे थे, और जो बता रहे कि अभी इनका बेटा 3 महीने का हो गया है और एक हफ्ते बाद ही जन्म के बाद जो प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और जो ड्रॉप्स भी डाल रहे थे पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और जैसे जो सिस्टर चर्च आ रहे थे संडे की मीटिंग में, तो जैसे इन्होंने 16 फरवरी की मीटिंग को अटेंड किया और इस बेटे के लिए ले हैंड हुई, और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। इसकी आंख का जो सुराख बंद है, इसकी आंख का जो सुराख बंद है, यीशु मसीह तेरे नाम से खुल जाए राइट नाउ। इसका जो सुराख बंद है प्रभु तेरे नाम से खुल जाए, खुल जाए। तूने कहा जिस पर भी तुम हाथ रखोगे चंगे होंगे, इन द नेम ऑफ जीसस। और ये इसका बंद सुराख यीशु मसीह तेरे नाम से खुले, खुले तेरे नाम से। आमीन। और जैसे इसके लिए ले हैंड हुई तो इन्होंने परमेश्वर के आगे लगातार प्रेयर की, धन्यवाद दिया। तो जो बता रहे हैं कि उसी हफ्ते में जो इसके आँख से पानी था वो बंद हो गया, और जो आँख का सुराख था वो भी खुल गया, और अभी इनका बेटा पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री है। और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम सब तारीफ करेंगे। कलीसिया सुनो 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 कि जब ये पैदा हुआ था तब से ये इसे प्रॉब्लम हो गई, पैदा होने के बाद एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद इसको ये प्रॉब्लम होगी जी। तो इनको माइक देना थोड़ा सा। आपको कैसे पता लगा जब इसकी इसे एक हफ्ते बाद जब पैदा हुआ तो इसकी आंख से पानी बहने लगा? आप डॉक्टर के पास गए थे? जयमसी पापा जी। जयमसी की जय पापा जी। वैसे यदि आंख जो पानी वगदा इधर गेड जी आंदी ही। हां तो फिर आपको कैसे पता लगा कि इसका सुराख बंद है? फिर सर पापा जी डॉक्टर के कोल गए। हां डॉक्टर के पास गए ना, ये मैं बस पूछना, बस ठीक है। सुनो तो इन्होंने जब डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इस बच्चे का सुराख बंद है, उसने कुछ मेडिसिन दी, ड्रॉप्स, मतलब समझे जो हम बोलते हैं दारू डालना, आंख में क्या डालना, दारू, दारू समझे ना, दारू डालते हैं हम आंख में, तो ड्रॉप्स मतलब दारू, तो ये लगातार डाल रहे थे और डॉक्टर ने बताया कोई बात नहीं, ये मेडिसिन दो, ये ड्रॉप्स डालो दारू तो ठीक हो जाएगा। पर वो हो नहीं रहा था, बच्चा छोटा है, बोलो क्या है, पूरा दिन आँख से पानी निकलता रहता था, गिट आ जाती थी आँख में, तो रोता भी था पापा जी, रोता नहीं, रोता नहीं था पर आँख में से पानी निकलता रहता है, ऐसे ऐसे मलता होगा हाथ से, नहीं नहीं पापा जी बस आँख से पानी निकलता है क्योंकि छोटा है ना, अभी कितने कितने 3 महीने का, अभी सिर्फ 3 महीने का ना। हाँ तो सुनो पर परमेश्वर महान है, जब हम कुछ भी फेथ से विश्वास से हम रिसीव करते हैं, किसी वर्ड को हम ले हैंड कराते हैं, तो जब हम विश्वास से उन चीजों को कराते हैं तो खुदावंद अपनी उस महिमा को आपके जीवन में प्रकट करता है। हाँ आज कितना टाइम हो गया ये? काफी हफ्ता ही हो गया। कौन सी है, खब्बे वाली आंख के सज्जे वाली, दाएं के बाएं? हाँ ये कौन सी,
सज्जी राइट, ये वाली राइट है ना, सज्जी। हाँ तो अभी कितने दिन हो गए? एक हफ्ता हो गया, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं है। सुराख समझे ना, हमें दिखने में लगता हमारी आंख के ये यहाँ पे छोटा सा, बहुत छोटा सा, जैसे सुई का क्या होता है कोना है ना, उसका उसके जैसा ब्रीक सा होता है, उसमें भी शेक होता है। और हो ना तो आंख, अभी तो पानी आ रहा है, कईयों का जो सुराख बंद हो जाता है तो कईयों की आंख सूज जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है। आगे जाकर हो सकता है इसकी प्रॉब्लम बढ़ भी जाती, कईयों की आंख पूरी सूज कर यहां पे आ जाती, बंद हो जाती, दिखना तक बंद हो जाता। इसलिए जब ऐसा होता है वो सूज जाती है, क्योंकि सुराख बंद है तो फिर डॉक्टर फिर सिलाई मारते हैं, सिलाई उसको खोलने के लिए। अगर प्रॉब्लम ज्यादा होगी ना तो डॉक्टर फिर सिलाई मारते हैं कि वो खुल जाए। तो कईयों को मैंने देखा है वो सिलाई मारने से भी खुल जाती है, फिर ठीक हो जाती, फिर हो जाती, ऐसा होता है। पर ये तो बड़ा छोटा बच्चा है, अगर इसकी आंख सूज जाती, अभी तो हम सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने जल्दी फ्री कर दिया। मैं समझा रहा हूँ इस प्रॉब्लम जो ये जो बीमारी है, जो ऐसे उस तकलीफ के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि अगर बंद रहता, सूज जाती, बंद हो जाती आंख, ये रोता, फिर और ज्यादा परेशान होते। फिर इस छोटे से इतने बच्चे के आंख में जब वो सुराख खोलने के लिए अगर सिलाई मारेंगे तो ये क्या करेगा, आप सोचो, मुझे बताओ, इतना छोटा सा बच्चा कितनी तकलीफ में होगा। हाँ, पर वो जीवित खुदा है जो आपके पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, जिसने आपको छुटकारा दिया है। अपने फेथ में रहना है, विश्वास में रहना है, बोलो क्या रहना है, अपने अपने फेथ में रहना है। तारीफ करो इस बड़ी इस गवाही के लिए, दिल से दिल से दिल से। जो कम की तो भी नहीं होता वो यीशु।